सर हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री के बैचेस शुरू किए हुए, सही है, और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आपकी 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, सही है। हमने 3 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और हम लोगों ने शुरू किया था बच्चों हमारा सोल्यूशन वाला चैप्टर, सही है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, सही है। इसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखना है, सही है। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसके बारे में कई सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग समझेंगे कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस क्या होती है, सही है, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों को मिल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ आप लोग को अगर बायोलॉजी के, फिजिक्स के, मैथ्स के लेक्चर भी देखने हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं हर एक लेसन के, तो उन लेसन को जरूर से देखिए और अपनी 12th स्टैंडर्ड को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। कोई भी डाउट अगर होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अपने डाउट रिजोल्व करा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने रॉल्स लॉ पढ़ाया था। रॉल्स लॉ बहुत जरूरी है अगर आपको आज का लेक्चर देखना है, सही है। अगर आपको आज का लेक्चर समझना है तो रॉल्स लॉ बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देखो। पिछले ही लेक्चर में मैंने यह भी समझाया था कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इन सबकी वीडियो अगर आपको समझना है तो इन सबकी वीडियो जो है वो लास्ट वाली वीडियो है, यानी लेक्चर नंबर 4 है, वो देखेंगे समझेंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि भैया आपका आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस होता क्या है। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में जब आपने मेरे साथ रॉड्स लॉ पढ़ा था तो रॉड्स लॉ को फॉलो करने वाली जितनी भी गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस मतलब क्या? सही गैसेस, जिनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम डिफरेंसेस नहीं होते, जिनके अंदर ज्यादा हीट के अंदर चेंजेस नहीं होते, दैट आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस, ठीक है। तो यहां पे आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको हम लोग इस टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ेंगे और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस, ठीक है। सो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में पढ़ोगे तो ज्यादा सही है। कितने एस्पेक्ट को हमको स्टडी करना है? हमें रॉल्स लॉ को देखना है, हमें डेल्टा एच मिक्सिंग को देखना है, हमें डेल्टा वी मिक्सिंग को देखना है, ठीक है। फिर वेपर प्रेशर देखना है हमको सोल्यूशन का, और लास्ट हमें डेविएशन की बात करेंगे, सही है। तो ये कुछ 6 एस्पेक्ट्स है, 6 नहीं 5 ही एस्पेक्ट्स है जिनकी हम लोग बात करेंगे आपके आइडियल गैसेस के अंदर, सॉरी आइडियल गैस नहीं, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर मैं गैस बोला रहूंगा तो कोई बात नहीं। चलो बात करते हैं सबसे पहले आइडियल गैस की। अब देखो, जो आइडियल गैस होगी वो हमेशा बच्चों रॉल्स लॉ को फॉलो करेगी ही करेगी, ठीक है। रॉल्स लॉ को फॉलो करेगी ही करेगी। क्या था रॉल्स लॉ? मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था ना, रॉल्स लॉ की जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को जो भी गैसेस फॉलो कर रही है, गैसेस नहीं, जो भी सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है, आई एम सो सॉरी, जो भी सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, सही बात है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? इट फॉलोज रॉल्स लॉ, समझ रहे हो? रॉल्स लॉ को ये क्या करता है? फॉलो करता है। अब जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके जस्ट अपोजिट आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहलाएगा। तो अगर ये फॉलो करना कर रहा है, सो इट डज नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो करेगा? ये रॉल्स लॉ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमको पॉइंट्स बाय पॉइंट बना के समझोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि आपका जो आइडियल सॉल्यूशन है वो हमेशा रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, हमेशा रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला। फिर दूसरी हम लोग बात करेंगे बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेल्टा एच? डेल्टा एच का मतलब होता है हीट, यानी एंथैल्पी, जो भी आपके सिस्टम में एंथैल्पी प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा एच। अब जब आप सॉल्यूशन का, जब आपका सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बना रहे हो आप, ठीक है, तो क्या उसके दौरान कोई भी हीट चेंजेस आते हैं? क्या कोई भी एंथैल्पी के चेंजेस आते हैं? डेल्टा एच, ये डेल्टा का सिंबल होता है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो क्या कोई भी चेंजेस होते हैं? नहीं। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलते हैं एंथैल्पी के अंदर,
दैट्स वाई अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो यहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, जीरो। अब चेंज नहीं हुआ, मान लो पहले 10 थी और उसके बाद भी 10 ही रही, तो चेंज ही नहीं हुआ ना, तो 10-10 क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो? तो इसके अंदर बच्चों कभी भी एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं होती, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू यानी एंथैल्पी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब ठीक इसका अपोजिट है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसके अंदर क्या होगा, जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो ये ज्यादा हो सकता है या तो ये कम हो सकता है, ठीक है, जीरो से कम हो सकता है या फिर जीरो से ज्यादा हो सकता है, इसकी वैल्यू हायर या लोअर हो सकती है, ये सेम नहीं रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन। जब आपका थ्रू आउट द रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पे आपका जो हीट है उसमें चेंजेस आएंगे, एंथैल्पी के अंदर चेंजेस आएंगे, दैट्स व्हाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपका डेल्टा एच कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये समझ में आ गया दूसरा पॉइंट, एकदम सिंपल है। नाउ दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम चेंज होगा आइडियल सॉल्यूशन में? बिल्कुल भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें अंदर कभी भी वॉल्यूम का चेंज नहीं देखने के लिए मिलता। तो यहां पर जो डेल्टा वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। बात समझ में आई, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो मैंने क्या बोला, ये ठीक इसके अपोजिट है, जो चीजें इसके अंदर हो रही है वो चीजें ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके अंदर बच्चों वॉल्यूम जीरो नहीं होती, इसके अंदर वॉल्यूम या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, पर ये जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ वेपर प्रेशर की बात करते हैं। अब इसका जो वेपर प्रेशर है आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कहां लाई करेगा, इट विल लाई ऑलवेज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट। आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसी के कहीं ना कहीं बीच में आपका आइडियल गैस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दू, यहां लिख दू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इसका आइडियल सॉल्यूशन की बात करो, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसी के आसपास, उसी के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ योर आइडियल सॉल्यूशन, सही बात है। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बच्चों, तो इसके अंदर वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है या तो वो सॉल्वेंट से ज्यादा होगी या तो वो सॉल्वेंट से कम होगी, वो कभी भी उसके बीच में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो या तो इसमें क्या हो सकता है, हायर और लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, समझ में आई बात, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है, किसके अंदर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। वहीं अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो इनके अंदर आपका जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कहां लाई करेगा, किसके बिटवीन लाई करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये चार पॉइंट समझे, सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला था, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बात की थी, डेल्टा एच की बात की थी, इसके अंदर एंथैल्पी के चेंजेस नहीं होते इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है, इसके अंदर एंथैल्पी चेंज होता है इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो डेल्टा वॉल्यूम की वैल्यू जीरो, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो जाता है या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर वही मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा था, तो वेपर प्रेशर कहां लाई करेगा, जैसे मैंने तुम लोग अभी बताया कि यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो किसके बिटवीन लाई करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के, पर इस कंडीशन में, नॉन आइडियल कंडीशन में आपका जो वेपर प्रेशर है वो या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा आपके सॉल्वेंट से, ठीक है, समझ में आई बात। लास्ट है बच्चों अपना डेविएशन। नाउ डेविएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, आपकी वैल्यू एक इतनी आ रही है, अब मान लो आपकी वैल्यू चार आ रही थी, सही है, और चार आनी चाहिए थी पर किसी की वैल्यू छह आ गई, किसी की वैल्यू तीन आ गई, तो भैया आपने जो अपना ओरिजिनल वैल्यू था उससे आप डेविएट हो गए ना, उससे आप अलग हो गए ना, सो डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी डेविएशन नहीं होता, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, इसके अंदर कोई भी डेविएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती, किसके अंदर, आपके आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देयर इज नो डेविएशन, सही है। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेविएशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में
डेविएशन होता है, ठीक है। और दोनों प्रकार के डेविएशन है, या तो वह डेविएशन ज्यादा हो सकता है या तो डेविएशन कम हो सकता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो डेविएशन दोनों हो सकता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ बात करते हैं। यहां पे मैंने बताया हुआ है कि डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ इन इसके अंदर हो रहा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं डेविएशन के अंदर। तो दो प्रकार के डेविएशन है, सिंपल है, दो प्रकार के डेविएशन है। एक है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक है आपका नेगेटिव डेविएशन, समझ रहे हो। अब पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया, लेट सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया बच्चों, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा वेपर प्रेशर और यहां पे आया मेरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वेपर प्रेशर मेरा वाई एक्सिस पे है, सही है, और ये मेरा एक्स एक्सिस पे है, सही है। अब मान लो कोई प्रेशर लग रहा है P1 नाम का कोई प्रेशर लग रहा है, तो नॉर्मली वो आइडियल कंडीशन में ऐसा जाना चाहिए, सही है। सपोज दिस इज P1 और ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा जाना चाहिए, और कोई दूसरा प्रेशर है मान लो वो कुछ नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से जाना चाहिए, मान लो दिस इज P2, समझ लो, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया है जहां पे ये है मेरा प्रेशर, ठीक है, और यहां पे है मेरा मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है और यहां पे मेरा वेपर प्रेशर है। मान लो बच्चों एक प्रेशर है जो इस फॉर्म में जा रहा है, इस फॉर्म में जा रहा है, ये मेरा आइडियल गैस का होना चाहिए था, पर नॉन आइडियल गैस में ये वैल्यू डेविएट कर जाती है और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो वैल्यू है बच्चों ये क्या हो जाती है, यहां से ऐसे इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो। ये वैल्यू जो है इस तरीके से क्या हो गई, आगे चल के इंक्रीज हो गई। इसे जाना कैसे चाहिए था, इसे इस तरीके से जाना चाहिए था, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, ये वाला ग्राफ बनना चाहिए था, पर एक्चुअल में ये जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। जिसकी वजह से ये हो जाता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, आपकी वैल्यू क्या हो गई, देख रहे हैं जो एरिया, ये एक्स्ट्रा एरिया है, समझ रहे हो। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, सही है। सिमिलर सी चीज हो सकती है नेगेटिव डेविएशन के अंदर भी, इसको मैंने लिखा मान लो y एक्सिस पे, ठीक है, यहां पे मैंने डाला वेपर प्रेशर, यहां पे मैंने डाला मोल फ्रैक्शन, ओके, सही है, सेम सी चीज है। वापस दो पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी ऐसे जाने की और एक पॉसिबिलिटी ऐसे जाने की, ये इसका राइट वैल्यू होना चाहिए था, पर इसके अंदर डेविएशन कम हो गई, इसके अंदर जो डेविएशन थी वो क्या हो गई, लेस हो गई, ये वाला वैल्यू कुछ ऐसा चला गया ग्राफ और इसका ग्राफ कुछ ऐसा चला गया, समझ रहे हो। तो यहां पे वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चों, कम हो चुकी है। यहां पे देखो वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, नॉर्मली ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था, नॉर्मली ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था, पर ये ग्राफ डेविएट हो गया था, पॉजिटिवली डेविएट हो गया था। पर अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं तो यहां पे आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिवली डेविएट हो गया, ये आपके ओरिजिनल जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया डॉटेड लाइन वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए था, पर यहां से क्या हो गया, वैल्यू आपका नीचे चला गया, सो दिस इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये है बच्चों आपका नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज, कहां गया, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बच्चों कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज, इमेजिन करो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया और मैंने बोला कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बड़ा जरा बताओ भैया, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ, लिक्विड दिया हुआ, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करोगे, ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेशन से आप बताओगे कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर बच्चों मैं किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, समझ में ये बात, ठीक है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कितना है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द पार्टिकल, हम लोग नेचर की बात नहीं करेंगे इसकी,
सही है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना नेचर की बात, कौन सा एसिडिक है बेसिक है, उसकी हम लोग बात नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर प्रेजेंट है। सही है, तो आप सभी लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हमें चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है हमारे इस लेसन में। सही है, और यही चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में भी। सही है, तो जितने भी अगले लेक्चर्स होने वाले, जो भी अगले तीन चार लेक्चर्स होंगे, उसमें जितनी भी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा वो ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबके नाम हम लोग पहले जान लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है बच्चों लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे पहला है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा है बच्चों आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर एक है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चार हमें पढ़ने हैं हमारे इस पूरे के पूरे लेसन में, कौन कौन से। सबसे पहला हम लोग जो आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे वो है हमारा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ रही बात। ठीक है, कि हमारे वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे लो करें, इसी को आपकी बुक में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर लोवरिंग, तो एक ही बात है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोवरिंग एक ही बात है। ठीक है, सब्जेक्ट टू पैरामीटर आप पढ़े ना आप लोग। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। एंड फोर्थ है बच्चों आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है, तो इन अलग अलग चार चीजों को हमें स्टडी करना है। आ जाओ सबसे पहले हम लोग को देखना है, सबसे पहले हम लोग इससे शुरुआत करते हैं आज, आज का पूरा लेक्चर आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोवरिंग के ऊपर ही होगा, जहां पे हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। सही है, और शायद अगले वाले लेक्चर में मैं आप लोग को इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा दूं, और अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, ठीक है चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों वेपर प्रेशर लोवरिंग या फिर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका क्या मतलब है, देखो इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों कि आखिरकार वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, फिर आप लोग समझोगे कि आखिरकार वेपर प्रेशर लोवरिंग है क्या। ठीक है, सो लेट सपोज यहां पर बच्चों मैंने एक बीकर लिया है, लेट सपोज मैंने यहां पर एक बीकर लिया हुआ है। सही है, और इस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया बच्चों, इस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया सॉल्वेंट, जो कि क्या है, जो कि है आपका वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसकी बातें हम लोग ने पहले भी की थी, पर मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा रहा हूं, डीपली समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने बच्चों एक आपका छोटा सा बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्वेंट डाला है, एंड दैट सॉल्वेंट इज वोलेटाइल सॉल्वेंट। नाउ वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐसी चीजें होती है जो आप रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना, तो वो यहां से क्या बनने लगती है, उनके वेपर्स बनने लगते हैं, यहां पे उनके वेपर्स निकलने लगते हैं, सो दैट आर द वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनेंगे, जब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसको मैंने ऐसी रूम टेम्परेचर पे लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो क्या बनने लगेंगी, यहां पे ऐसे वेपर्स बनने लगेंगे, यहां पे क्या बनने लगेंगे बच्चों, ऐसे वेपर्स बनने लगेंगे। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, जब तक आपका ये वेपर एटमोस्फेरिक प्रेशर से इक्वल ना हो जाए, दिस वेपर इज द वेपर प्रेशर, जब तक ये प्रेशर आपका जो वेपर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, तब तक आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको दबाता है। ठीक है, तब तक आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, इसको यहां से दबाता रहता है, और उस कंडीशन में जब ये एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको दबाएगा ना, तो आपका ये वेपर के ऊपर जाके लगेगा, आपका ये वेपर किसके ऊपर जाके लगेगा बच्चों, ये लगेगा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ठीक है, कहां पे लगेगा, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जाकर ये वेपर लगेगा, और ये कुछ प्रेशर जनरेट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। समझ में आई बात, ठीक है, तो वेपर प्रेशर मतलब क्या, वेपर प्रेशर उसे कहा जाता है जो आपका वेपर लिक्विड के सरफेस पे लगा रहा हो, और ये नीचे क्यों जा रहा है, इसका ये क्वेश्चन है ना, कि आपका ये वेपर प्रेशर नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है,
जिसकी वजह से एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये प्रेशर कहां पे लगेगा, इसके इस सरफेस के ऊपर लगेगा, और इस प्रेशर को हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये था बच्चों एटमोस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट। सही है। अब मान लो बच्चों मैंने एक और बीकर लिया, नाउ लेट सपोज मैंने एक और बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर भी, ठीक है, इस बीकर के अंदर भी मैंने यहां पर सॉल्वेंट को डाल दिया। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और इसको भी मैंने डाल दिया एक दूसरे बीकर के अंदर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने बच्चों इसके अंदर कुछ सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, देयर आर सम सॉल्यूट, मैंने इसके अंदर कुछ सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड किया, और ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ये जो सॉल्यूट है, दिस सॉल्यूट्स आर द नॉन वोलेटाइल। तो यहां पर मैं लिख दू, दीज आर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सही है। अब अगर इस कंडीशन की मैं वापस बात करूं, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर था वो मैक्सिमम था, क्यों, क्योंकि यहां पर दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं था इस सॉल्वेंट के अंदर। सही है, इस सॉल्वेंट के अंदर दूसरा कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से यहां का जो वेपर प्रेशर था वो मैक्सिमम था इस कंडीशन के हिसाब से। सही है। तो इसको मैं कहूंगा प्रेशर वन, ठीक है, पी वन, किसका, आपके सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग हमेशा वन यूज करते हैं, ठीक है, और यहां पे मैं लगा दूंगा नॉट, जो भी चीजें प्योर होंगी उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, आपके पी वन नॉट से। सही है। अब मैंने इसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैंने इसी सॉल्यूशन के अंदर आपके कुछ सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, अब यहां पे सॉल्यूट आ गए, सॉल्वेंट है, दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चों, आपका सॉल्यूशन, दोनों मिलकर हमारा क्या बना देंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। नाउ यहां पे अगर आप देखो तो आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, वो इस सॉल्वेंट को वेपराइज होने नहीं देगा। क्यों, देखो ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये इस नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को वेपराइज होने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि देखो जब यहां से वेपर बन रहे थे तो यहां पे वेपर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, पर यहां पर आपके सॉल्यूट उसके बीच बीच में आ गए, देख रहे हो, यहां पर आपके सॉल्यूट उसके बीच बीच में आ गए हैं, और ये इस वोलाटाइल, नॉन नहीं आएगा, ये इस वोलाटाइल सॉल्वेंट से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो प्रेशर बन रहा है वो कम बन रहा है एज कंपेयर टू दिस बीकर। मान लो ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, सही है, तो बीकर ए के अंदर ज्यादा प्रेशर होगा और बीकर बी के अंदर कम प्रेशर होगा, एज अ सॉल्वेंट इसके अंदर क्या होगा बच्चों, कम प्रेशर होगा। समझ रहे हो? तो मतलब अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, तो जो मेरा वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, जो मेरा वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए इस टॉपिक को भी हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर लोवरिंग, या फिर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या, किससे डिनोट करें इसको, हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों पी वन से, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, हमारा P1 से। तो यहां पर जो प्रेशर था इसे मैंने P1 से डिनोट किया, और यहां पर जो प्रेशर था इसे मैंने P1 नॉट से डिनोट किया। आपको पता चलना चाहिए कि P1 किसका वेपर प्रेशर है, आपके सॉल्यूशन का, और P1 नॉट किसका वेपर प्रेशर है, आपके प्योर सॉल्वेंट का। समझ रहे हो? ये है आपके प्योर सॉल्वेंट का, जो कि वोलाटाइल है, सही है, और जो P1 है यह है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलाटाइल है, और जो आपका सॉल्वेंट है ये क्या है, वोलाटाइल है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि इसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा वेपर बन रहे। यहां पर सॉल्यूट के आने की वजह से सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो गया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बननी कम हो गया, तो इसके अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा एज कंपेयर टू दिस। सही है, इसके अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहां से मैं एक लाइन ये भी लिख सकता हूं, एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकता हूं कि अगर मैं P1 नॉट को, जो कि बड़ी वैल्यू है, इसको मैं माइनस कर दूं P1 से, ठीक है, यही मैंने यहां पे लिखा था। देखो ये बड़ी वैल्यू, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो आपको चेंज इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा, कि दोनों के वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस है वो आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक स्टेटमेंट आपका बनेगा, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू
डेल्टा पी। डेल्टा पी बार, समझ में आई बात? ये आपको एक स्टेटमेंट मिला, अब इस स्टेटमेंट को साइड में रखो, ये आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा साइड में रखो, पर ये यूज होगा आगे चल के। अब ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ, हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, मैंने आपको बताया था, रॉल्स लॉ कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है आपके सॉल्यूशन का, वो हमेशा इक्वल होता है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन, सही है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर हमारा वैल्यू क्या होगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आपकी स्टेटमेंट बनेगी P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू X1। सही है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू X1। सही है, तो यहां से क्या मिला आपको स्टेटमेंट, ये कहां से मिला है आपको, रॉल्स लॉ से। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको मिली है आपके रॉल्स लॉ वाले इक्वेशन से। अब आपको ये पता है X1 की वैल्यू पता है, X1 आप निकाल सकते हो कैसे, मैंने आपको बताया था जो फ्रैक्शंस होते हैं, कोई भी दो फ्रैक्शंस होते हैं उनका अगर आप एडिशन करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा 1 मिलती है। सही है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आपका जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट, इधर एल है। ठीक है, दो ही चीजें हैं, एक आपका सॉल्यूट है एक आपका सॉल्वेंट है। तो अगर मैं इन दोनों का फ्रैक्शन लू, सबसे लोएस्ट पॉसिबल लू, सही है, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको सॉल्वेंट को हमेशा 1 नंबर देना, तो ये आपका X1 हो जाएगा और ये हो जाएगा X2। सही है, और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फ्रैक्शन है आप जब भी उसे ऐड करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। ठीक, सही है ना, सिंपल मैथ से आप लोग पढ़ते रहोगे, दो फ्रैक्शन को ऐड करने पर हमारी वैल्यू क्या मिलती है, आपको 1 मिलती है। सही है, तो सेम चीज हम यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर दिया हुआ X1, तो इस वैल्यू को हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं X1 के लिए। X1 क्या हो जाएगा, ये यहां चला गया तो 1 - X2। सही है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी किसकी, X1 की। अब इस चीज को आप पुट करोगे यहां पर, ठीक है, इस चीज को आप कहां पुट करोगे, इस जगह पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 - X2। ठीक है, आपको मिलेगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 - X2। सही बात है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बच्चों आपका P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2। सही है, P1 नॉट ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। सही बात है, ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं मैं, ओके। अब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करना चाहता हूं, अब मैं बच्चों इसको इस साइड शिफ्ट करना चाहता हूं, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी बच्चों आपकी P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, P1 नॉट X2, वही चीज है ना जो मैंने यहां पे लिखी है, बस इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले जाओ, तो यहां का माइनस यहां पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां का प्लस यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है, दैट P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको देख रहा है, ये देख रहा है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते, तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू आप डेल्टा P1 लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह पे आप डेल्टा P1 लिख सकते हो। सही है, तो यहां पे इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा P1 इज इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट X2। समझ में आई बात, तो ये आपका रॉल्स लॉ का इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन आपकी यहीं पर खत्म हो गई। ये सारे वैल्यूज को, ये सारे फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जहां पे ये वैल्यूज आपको पूछे जाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है, तो इन वैल्यूज को आपको दिमाग में रखना ही होगा। समझ में आई बात, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते आ जाओ, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इस वैल्यू को वापस यहां लिखो, दैट इज योर P1, ये वाली वैल्यू P1 इज इक्वल टू सॉरी P1 नॉट माइनस P1। सही है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रिलेटिव प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक यहां पे आपका खत्म हो चुका है, एक आपका यहां पे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों रिलेटिव प्रेशर की। रिलेटिव प्रेशर क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल सी वैल्यू है, अगर बच्चों मान लो मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं P1 नॉट से, सबको हर जगह क्या कर देता हूं, P1 नॉट से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू आपका P1
माइनस पी वन नॉट माइ पी वन और पी वन नॉट, कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों दोनों को, किससे, आपके पी वन नॉट से और इसको। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपको इस इक्वेशन से भी मिल सकती है। सही है, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये यहां चला जाएगा, ये देखो ये यहां चला जाएगा, तो क्या बनेगा, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन, ये देखो पी वन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स टू होता है, इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स टू बचा। तो क्या बच्चों, मैं इस वैल्यू की जगह एक्स टू लिख सकता हूं, क्या मैं इस वैल्यू को जगह एक्स टू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं समझ में एक बार वापस समझो, देखो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये डेरिवेशन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस आपको समझाता हूं, पहले यहां से शुरू करते हैं। देखो यहां तक हम लोग ने इस इक्वेशन को डिराइव किया, अब इस इक्वेशन को मैं एक्स टू के लिए बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं मैं, एक्स टू के लिए, देख रहे दिस इज एक्स टू, सो एक्स टू इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर यहां माइनस में, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, पी वन नॉट इज इक्वल टू पी वन डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पी वन नॉट, ये एक इक्वेशन बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, एक्स टू की, कहां से मिली आपको इस इक्वेशन की, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू, और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिल गया, आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। सही है, फिर मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये वाली वैल्यू वापस लिखी, अब आपका इक्वेशन नंबर वन मैंने वापस लिखा, डेल्टा पी डिवाइड में कुछ नहीं है, डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी वन है सॉरी, इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन, ये वैल्यू मैंने वापस लिखी। मैंने क्या किया दोनों साइड को, ठीक है मेरे को इसके जैसा बनाना था, तो मैंने क्या किया इन दोनों साइड को डिवाइड बाय पी वन नॉट कर दिया, तो मैंने इसको भी डिवाइड बाय पी वन नॉट कर दिया, इसको भी डिवाइड बाय पी वन नॉट कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहां पे भी आ गया आपका पी वन नॉट और यहां पे भी आ गया आपका पी वन नॉट। सही है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर थ्री। सही है, ये मान लो मेरा इक्वेशन नंबर ए था। अब आप देखो, अब आप ए और थ्री को कंपेयर करो, इसके अंदर भी ये वैल्यू, इसके अंदर भी ये वैल्यू है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका ये वैल्यू इसके बराबर है, क्या मैं कह सकता हूं आपका डेल्टा पी वन बाय पी नॉट, पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, बिल्कुल कह सकता हूं भैया। तो इसीलिए बच्चों यहां पर एक और वैल्यू बन जाएगी, दैट इज साइड में लिखते हैं, दैट इज डेल्टा पी वन नॉट डिवाइड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। सही है, ये भी आपका एक इक्वेशन बन गया, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। ये दोनों ही आपके क्या बन गए हैं बच्चों, एक और टाइप का फॉर्मूला बन गया है, दिस टू आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ प्रेशर, किसके रिलेटिव में, मोल फ्रैक्शन के, किसके रिलेटिव में, मोल फ्रैक्शन के। तो ये जो वैल्यू आपको मिली, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा था, बड़ा ही सिंपल था। अब इसके आगे चीजें और सिंपल है, सुनो ध्यान से, इसके बीच में एक लाइन खींचता हूं मैं पहले, ठीक है सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई। अब आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, कोई भी मोल फ्रैक्शन, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, पता है आपको क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, पता है, एन सॉल्वेंट डिवाइड बाय एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट। ये एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स मतलब क्या होता है, एक आपके सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट अवर मोल्स। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, उसका फॉर्मूला बनता है दैट एन सॉल्वेंट डिवाइड बाय एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट। और वही अगर एन सॉल्यूट का फॉर्मूला होता तो, एन सॉल्यूट का फॉर्मूला होता तो सेम चीज हो जाती ना, एन सॉल्यूट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ऐसा फॉर्मूला हो जाता।
लेकिन हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग वन और टू यूज कर रहे हैं। देखो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्वेंट के लिए वन दिया हुआ है, सॉल्यूट के लिए टू दिया हुआ है, तो मैं उसी को यूज करूंगा ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो आपके एग्जामिनेशन में। सही है, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में सीखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला 11th में सीखा हुआ फॉर्मूला है। तो अगर मैं बात करूं x2 की, तो x2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x2 के लिए फॉर्मूला बनेगा बच्चों आपका n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सही है, और ये 2 दिया हुआ है मतलब यहां पे सॉल्यूट की बात हो रही है, 1 दिया रहता तो सॉल्वेंट की बात हो रही है। सही है, x2 का ये फॉर्मूला है। अब आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक ये कह रही है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट डालोगे, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट डालोगे तो आप इसके मोल्स को निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट है, जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट है। तो इस कम अमाउंट की वजह से आप ये नीचे का जो मोल है N2 वाला मोल है, इसे आप क्या कर दोगे? निगलेक्ट। इट इज वेरी 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 स्मॉल, समझ रहे हो? मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, N1 और N2 ये दो चीजें हैं। N1 का मतलब क्या है? N1 का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। सही है, सॉल्वेंट का मोल है। और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। सही बात है। अब मैंने क्या बोला, देखो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा रहता है, सॉल्यूट हमेशा कम रहता है। यहां पर सॉल्यूट इतना कम है कि हम लोग इस N2 वाली वैल्यू को, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये इतने ज्यादा कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, समझ लो। इट इज वेरी वेरी लेस, ऐसा लिखा हुआ आपकी बुक में, इट इज वेरी वेरी लेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस नीचे वाले N2 को क्या कर देंगे? इग्नोर, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख लो मेरे साथ साथ, लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, तभी मजा आएगा, समझ लो। वैसे ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊंगा फिर तुम लोग बाद में लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, अपने बुक में लिखोगे, ट्राई करोगे तभी चीजें होंगी। सही है, तो अगर मैंने बच्चों इसको निगलेक्ट कर दिया, नीचे वाला N2 को, ऊपर वाले N2 को मत निगलेक्ट करो क्योंकि वो ऊपर प्रेजेंट है ना, जो डिनोमिनेटर वाला N2 है बच्चों वो क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका बनेगा x2 is equal to N2 डिवाइड बाय N1, ठीक है, N2 डिवाइड बाय N1। सही है, अब आप ध्यान से देखो, अब आप जरा इस फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले को ले लो, किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले सकते हो चाहे इसको ले सकते हो, किसी भी फॉर्मूले को ले लो। मान लो मैं इसको ले रहा हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अगर मान लो मैं आप इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर रहे हो, तो ये भी x2 इसके बराबर है, x2 इसके बराबर है, तो कैन आई से कि ये वाला जो वैल्यू है ये आपके इसके बराबर होगा, ये वाला जो वैल्यू है ये आपके किसके बराबर होगा? N2 डिवाइड बाय N1 के बराबर होगा। सही है, तो क्या बन जाएगा आपका? डेल्टा P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। सही बात है, समझ में आ गई बात। अब यहां पर कुछ और चीजें आने वाली हैं। अब देखो बच्चे ना डर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें दी हुई है, पर डरना नहीं है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग यहां पर यूज करेंगे बच्चों मास, ठीक है, हम लोग यहां पर यूज करेंगे मास। कौन सा मास? मोलार मास। हम लोग यूज करेंगे यहां पे वेट। सही है, तो दो वेट होंगे, एक आपका M1 होगा, एक आपका M2 होगा। सिमिलरली वेट में भी एक आपका W1 होगा, एक आपका W2 होगा। सही बात है, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद क्या होता है, आपका X1, X2 और क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? N1, N2। सही है, अब ये आप लोग साइड में लिख लेना अपनी बुक में, ये जो मैं चीजें यहां पे लिखवा के देने वाला हूं इसे अपनी बुक में जरा साइड में लिखना। मैंने क्या बोला कि आपका जो M1 है, M1 इज द मोलार मास, M क्या होता है? M इज द मोलार मास। किसका मोलार मास है? वन, वन पे कौन होता है? सॉल्वेंट। सो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद M2, M2 वापस मोलार मास। किसका मोलार मास? हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज इट इज M2। ये हमेशा रखना, ठीक है, वन हमेशा सॉल्वेंट के लिए, टू हमेशा सॉल्यूट के लिए। सिमिलरली W1, दिस इज मास, नॉर्मल मास, वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है, W2, मास ऑफ सॉल्यूट। सही है, सिमिलरली आप X1 की बात करो, X1 आपको पता ही है, X1 इज द मोल फ्रैक्शन
ऑफ सॉल्वेंट, सही है। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मैं क्यों लिखवा के दे रहा हूं बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें भी आने वाली है डेरिवेशन में, ठीक है। उसके बाद ये है आपका n1, n1 क्या होता है, n1 इज द नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इतनी चीजें हमें यूज करनी है इस वाले डेरिवेशन के अंदर। क्या क्या था, एक आपका मोलार मास सॉल्यूट, सॉल्यूट का, और एक सॉल्वेंट का। सिमिलरली आपका मास भी है, आपका मोल फ्रैक्शन भी है, और आपका नंबर ऑफ मोल्स भी है। अब यहां पर हमने यहां तक डिराइव कर लिया, ठीक है, हमने यहां तक डिराइव कर लिया। अब आगे वापस बच्चों सुनो, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वापस 11 स्टैंडर्ड मोल्स में आपने सुना होगा, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा रहेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स का फॉर्मूला है। मोल्स यानी क्या होते हैं आपके n, सही है, तो n इज इक्वल टू w अपॉन m, यानी आपका वेट, यानी ये आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एक ही बात है, और ये है आपका मोल्स, सही, सॉरी मोलार मास, सही है। अब अगर मैं मान लो n1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, n1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा w1 m1। सिमिलरली अगर मैं m2 के लिए, n2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, w2 और m2, सही है। अब यहां पे मेरे को n1 की वैल्यू मिली, दैट इज अवर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पे आपको n2 की वैल्यू मिली, ये भी आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर सॉल्वेंट और दिस इज फॉर सॉल्यूट, सही है। अब इन दोनों वैल्यू को कहां पुट करना है बच्चों, आपको इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा चल रहा था, 7 चल रहा था, कौन सा देख लेना तुम लोग एक बार, ठीक है। तो इन दोनों को हमें कहां पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है n2 और n1 की जगह। तो कैसा इक्वेशन बनेगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते, ले लिया, चले तो कैसा इक्वेशन बनेगा, अभी हम लोग जो लिखा वो लिख लेते पहले। तो p1 डिवाइड बाय p1 इज इक्वल टू क्या था आपका, n2 डिवाइड बाय n1, सही है। क्या बनेगा इक्वेशन, ये सेम रहेगा, p1 डिवाइड बाय p1 इज इक्वल टू, अब n2 के लिए क्या है, n2 के लिए है बच्चों आपका w2 और m2, सिमिलरली n1 के लिए क्या है आपका, w1 और m1, सही है। जब ये इक्वेशन होगा तो ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो कैसा है आपका फॉर्मूला बनेगा, दैट इज p1 डिवाइड बाय p1 इज इक्वल टू w2 इंटू w2 के साथ कौन सा, m1 डिवाइड बाय m2 इंटू w1, समझ लो, ठीक है। सो ये बनेगा बच्चों आपका लास्ट फाइनल इक्वेशन, दिस विल बिकम योर लास्ट फाइनल इक्वेशन। आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पे डेल्टा p1 है, p1 है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, दैट p1 डिवाइड बाय p1 इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है, हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था दैट p1 की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन 1 में हम लोग ने देखा था p1 माइनस p1, सही है। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, w2 m1 डिवाइड बाय m2 और w1, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बिटवीन, आपके वेट के, मॉलिक्यूलर मास के, और प्रेशर के। तो लिख सकते हो आप लोग यहां पे, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसका, सबसे पहला था आपका वेट मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास और आपका प्रेशर, या फिर आप कह सकते हो वेपर प्रेशर, सही है। तो इनके बीच में लास्ट में आपको फाइनल इक्वेशन आपको मिला, ये समझ रहे हो। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको फाइनल इक्वेशन ये मिला।
अब इसके हिसाब से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और जितना मैंने एग्जामिन किया है लास्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर को, उसमें ज्यादातर ये डेरिवेशन ही पूछा जाता है, जो मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया ना इतना बड़ा डेरिवेशन, ज्यादातर ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल से ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या समझाना है, सबसे पहले आपको ये फंडा समझाना है कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। आपको यह समझाना है कि जब हमने एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया बीकर के अंदर, और इसको जब हम लोगों ने नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर छोड़ा बिकॉज इट इज वोलाटाइल, तो ये यहां से क्या होने लगा, फ्यूम्स बढ़ के उड़ने लगे, फ्यूम्स यहां पे बने और ये उड़ने लगा। अब इस पे सरफेस एरिया ज्यादा था, इसीलिए यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, यहां का वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, और इसको मैंने किससे दिखाया, P1 नॉट से। ठीक है, P1 नॉट से दिखाया, P1 जीरो कुछ भी बोल सकते हो, जो कि आपके प्योर सॉल्वेंट का है। पर अगर मैंने इसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डाल दिए, तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ गए सरफेस एरिया को कम करने के लिए। अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपका वेपर प्रेशर भी यहां से क्या हो गया, कम हो गया, और इसको मैंने दिखाया P1 से। P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन वेपर प्रेशर यानी आपका डेल्टा P1 क्या कहलाएगा, P1 नॉट माइनस P1। सही है, अगर आप इसके वेपर प्रेशर को इससे माइनस कर दोगे तो आपको चेंज इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा, कितना वेपर प्रेशर चेंज हुआ है। तो बड़े को छोटे से हमेशा माइनस करते हैं हम लोग। सही है, ये आप समझा दिए, पहला लाइन आप ये बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बना दोगे रॉल्स लॉ से, रॉल्स लॉ आपने सीखा ही है। ठीक है, यहां पे ओ लगा देना और यहां पे यू लगा देना। सो रॉल्स लॉ आप लोग ने सीखा ही है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉल्स लॉ से आ गई। फिर x1 आपको पता ही है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 + x2 = 1, वहां से आप x1 का वैल्यू निकालोगे, इसको यहां पुट करोगे। सही है, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। सिमिलर तरीके से यहां से आपको कॉमन निकालना है, और ये आपको कहां से मिला था, इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज डेल्टा P1। यहां तक आपका हो जाएगा, ये आपका रॉल्स लॉ वाला खत्म हो गया। फिर इसके बाद आपको रिलेटिव वेपर प्रेशर फाइंड करना है। रिलेटिव वेपर प्रेशर आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको जो बताया था, आपका x2 वाला, ये वाला जो इक्वेशन था, इसमें x2 को यहीं पर रखो, x2 के लिए इक्वेशन बनाओ, तो आपका P1 नॉट कहां पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और आपका x2 के लिए इक्वेशन बन जाएगा। सही है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। सही है, फिर आप इसी वाली इक्वेशन को कहां गया, हां ये वाली इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो, P1 नॉट से डिवाइड कर दो, सॉरी इस वाली को P1 नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपको ये दो चीजें मिलेंगी। अब आप देखोगे ये और ये सेम है, मतलब ये x2 के बराबर हो जाएगा। सही है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये x2 के बराबर, चाहे आप ये लिखो डेल्टा P1 नॉट लिखो, या फिर आप डेल्टा की जगह हटा के ये लिख दो। समझ में आई बात, ठीक है, यहां पे शायद नॉट नहीं है, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना, तो आप ये भी लिख सकते हो उसके बाद। सही है, समझ में आ गई बात, ये आपका रिलेटिव वेपर प्रेशर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या फाइंड करना है, फिर आपको फाइंड करना है मोलार फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। आई नो मैंने आपको नहीं पढ़ा 11th स्टैंडर्ड, पर आप लोगों ने सीखा ही होगा, 11th स्टैंडर्ड में बेसिक है बहुत ज्यादा। दैट इज मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, जिसका भी आप फाइंड कर रहे हो, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो तो यहां पे सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आएगा, दोनों ऐड कर दोगे। सही है, तो यहां पे मैंने क्या बोला था कि आपका जो सॉल्यूट है उसका वेपर, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक कम है, जिसके वजह से हम क्या कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इस N2 को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, समझ रहे हो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसको हम लोग ने निगलेक्ट कर लिया, आपका इक्वेशन बन गया N2 / N1। सिंपल, यहां तक चीजें सिंपल थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये सारी चीज टर्म्स बता दी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट क्या है, W1 और आपका मोलिकुलर वेट क्या है, m। सही है, अगर आप n1 की बात कर रहे हो तो W1 m1 डाल दो, अगर आप n2 की बात करो तो W2 n2 डाल दो, और इन्हीं दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, और लास्ट में आपका फाइनल इक्वेशन रेडी हो गया। सही है बच्चों, ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहां से हमको पता चला है कि भैया हमारा जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो रहा है बाय मेकिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने की वजह से हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की ही बात कर रहे हैं ना, आप लोग ने देखा होगा हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की ही बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग सिर्फ मोल्स की ही बात करते हैं, हम लोग उसके नेचर की बात नहीं करते कि वो सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, बाहर में जाए वी डोंट केयर, वी ओनली केयर अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है कितने क्वांटिटी में है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। समझ में आई बात, ठीक है, सो आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डन है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ने थे। अच्छा, इसका ग्राफ भी है छोटा सा ना, एक ग्राफ भी है, चलो ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया, एक ग्राफ भी है छोटा सा, ध्यान से देखो, रॉल्स लॉ के अंदर ही आपको ग्राफ दिया हुआ है, रॉल्स
लॉ के अंदर ही आपको ग्राफ दिया हुआ, किसका ग्राफ है वो इसका ग्राफ है, पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स टू, इस इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो सिंपल सा ग्राफ है, कुछ नहीं। आप यहां पे डाल दो वेपर प्रेशर, सही है, आप यहां पे डाल दो मोल फ्रैक्शन, सही है। अगर अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे जरा ध्यान से, तो यह आप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हम लोग बचपन में स्लोप का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c की वैल्यू जीरो है, कुछ नहीं है यहाँ पे, जीरो है, सही है। तो आपको एम एक्स की तरह दिख रहा है, मतलब आपका स्लोप कैसा होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, एक ही ग्राफ आपको दिया हुआ है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है। तो ये यहाँ पे बच्चों हमारा डन होता है, वेपर प्रेशर खत्म होता है। इसके बाद तीन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं, कौन कौन सा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर एक है बच्चों आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड अनदर वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। ये तीन और प्रॉपर्टीज हमको देखने हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे, सही है, पर अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर वैसे ही बड़ा हो गया। उसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब ये जो लास्ट वाला मैंने तुम लोग को सिखाया है, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन मैंने तुम लोग को बना के दिया है, इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं काफी बार एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी स्टार्ट करेंगे हमारे अगले लेक्चर से, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, ओके। सो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर जरूर से करना, ओके। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, ठीक है, चलेगा। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी।